उसको कह रहे हैं हे वैश्य सन्मुखे विक्रोशंतम अपि कस्मान् न माम पश्यति। मैं इतनी जोर से चीख रहा हूँ भैया, तब से पुकार रहा हूँ, गला बैठ गया, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, कहाँ है कहाँ है। तो विक्रोशंतम अपि पुकारने वाले मेरे वचन को कस्मान् न पश्यति, मुझ मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। श्री कृष्ण एकदम चौंक गए और चौंक करके साभित्थम अपने भाव को छिपाते हुए, अभित्था माने अपने भाव को छिपाने, अपने भाव को छिपाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सखे चंपक लताया लावण्या कृष्णेन मया नोप दृष्टोसी। वो सामने ये चंपक लता है ना, इसके लावण्य से आकृष्ट होकर के भैया मैं तुझे देख नहीं पाया, तू कहाँ आया था। मधुमंगल कह रहे हैं सत्यमेव भाणसी, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि चंपक लता का दर्शन करते हुए चंपक लता के लावण्य से तुम मुझे नहीं पहचाने, परंतु बताऊं वो चंपक लता ये वाली स्थिर चंपक लता नहीं है, वो चलती फिरती कोई चंपक लता है। तो संचारिणी एव चंपक लतया, वो जो चंपक लता है वो संचारिणी होगी, इस जड़ चंपक लता का स्थावर चंपक लता का दर्शन नहीं कर रहे हो, बल्कि कोई घूमती हुई चंपक लता का ही तुम दर्शन कर रहे हो। तो उनके कारण ही तुम ऐसे विस्मित होकर के विराजमान हो। श्री कृष्ण बोले, बोले अरे सखा रहन्दे कामम असंभाव्य चंपक लताया संचार, कहीं चंपक लता चलती फिरती होती है क्या। काम माने पर्याप्त मात्रा में, असंभाव्य माने असंभव है, चंपक लताया संचार, चंपक लता का जो संचार है वो निस्संदेह असंभव होता है, माने लताएं चला नहीं करती हैं। मधुमंगल कह रहे हैं कि वैसे क्षणम विरमत वक्रतम, अब मेरे सामने चतुराई मत कर। मधुमंगल कह रहे भैया मेरे सामने चतुराई मत कर, ऋजु कथा सही सही बात कह दे, सरलता से कह दे कि कथम शून्य हृदय हो सी, तू क्यों शून्य हृदय हो रहा है। श्री कृष्ण मुस्काते हुए बोले, बोल भैया तब से बाट देख रहा था तेरी कि तू रंगना माला लेकर के आएगा, इसलिए माला के बिना मैं शून्य हृदय हो रहा था, माला की प्रतीक्षा देखते हुए मैं अभी तक मेरा चित्त शून्य था, माला में लगा हुआ था। मधुमंगल कहते माला में नहीं बाला में लगा हुआ था। सो मधुमंगल बालम इति बड़ा, मधुमंगल कहते बोले माला में चित्त लगा हुआ था ये मत कह, सही सही कहे कि बाला में चित्त लगा हुआ था। कृष्ण कह रहे हैं मुधेयम विशंखा विशंखा, बोले मित्र तेरी ये जो आशंका है ये बिल्कुल झूठी है, मैं तो माला का विचार कर रहा हूं। मधुमंगल उस समय कह रहे हैं कि हाँ झूठी कैसे है, मेरे पास में प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है, बोले देख ले तेरा स्वरूप ही मैं बता रहा हूं, ये स्वरूप ही बता रहा है कि तेरा चित्त माला में नहीं बाला में ही लगा हुआ था। कि जानी से न जानी से मूर्धच्युतमपि शिखण्डम यदखिलम न कंठे यन्माल्यम कलयस पुरस्तात् कृतमपि तदुन्नीतम वृंदावन कुहरलीला कलभे स्फुटम राधा नेत्र भ्रमर वर वीर्योन्नत रियम। बोलो जान गया हे मित्र तेरी दशा देख, अपनी दशा की ओर देख, न जानी से मूर्धच्युतम अपि शिखंडम यद अखिलम, तूने अपने माथे पर जो मयूर मुकुट धारण कर रखा है वो पूरा का पूरा मयूर मुकुट नीचे गिर गया है और तुझे पता नहीं है। बता बाला में चित्त नहीं होता तो क्या ऐसा होता, बाला में चित्त लग रहा है इसीलिए तेरी ये दशा हो रही है। कि न जानी से नहीं जानता है, तुझे पता नहीं लग रहा है कि मूर्धच्युतम से तेरे मस्तक से
कब ये मयूर मुकुट नीचे गिर गया है, शिखंडम यत अखिलम, ये अखिल मुकुट तेरे माथे से नीचे कहाँ गिर गया इसका पता नहीं है। और नकंठे यन्माल्यम कलयसि पुरस्तात् कृतमपि, तूने पहले से ही अपने गले में जो विभिन्न मालाएं धारण कर रखी हैं वे कहाँ गिर रही हैं इनका भी तुझे पता नहीं है। सो नकंठे माल्यम, गले में माला जो है उसको भी न कलयसि नहीं देख रहा है, पुरस्तात् कृतमपि जिनको तूने पहले धारण कर रखा था। तदनीतम, इससे पता लग रहा है कि वृंदावन कुहर लीला कलब हे हे वृंदावन के कुहर माने वृंदावन की गुफा में क्रीड़ा करने वाले, अरे कलब, अरे मतवाले हाथी के बच्चे, कलब कहते हैं गज, बाल गज, अरे किशोर गज, तू ये भी नहीं जानता है ठाकुर जी के लिए संबोधन, ये संबोधन कितना यथार्थ सार्थक संबोधन, कि जैसे हाथी अपने यौवन के मद में, अपने शरीर के मद में जैसे मतवाला होता है और किसी की परवाह नहीं करता है, झूमता झामता यौवन के मद में, जैसे युवावस्था आने पर जैसे कोई हाथी मतवाला होता है, ऐसे वृंदावन कुहर, वृंदावन रूपी गुफा में, कुहर में लीला कलम क्रीड़ा करने वाले, अरे हाथी के समान। यदम नीतम, इससे पता लग जाता है, लग रहा है मुझे कि स्फुटम राधा नेत्र भ्रमर वर वीर्योन्नत रियम, कि ये जो तेरी दशा हो रही है ये दशा श्री राधिका के नेत्र रूपी भोरे के श्रेष्ठ पराक्रम की ही यह फल है। श्री राधिका ने अपने नेत्र रूपी भोरे नेत्र रूप को भ्रमण माने घुमा करके, भ्रमी दे करके नेत्रों को जो नचाया है, राधिका के नेत्रों के नचाने से जो अपूर्व पराक्रम प्रकट हुआ, उस पराक्रम के कारण ही ये दशा है। इति तत् उन्नीतम, इस बात को मैंने उन्नीतम माने कल्पना कर ली है, इस बात को पहचान लिया। तद उन्नीतम, इस बात को मैं जान गया कि श्री राधिका के श्रेष्ठ नेत्र उनके भ्रमण माने घूमने के कारण यह घूमने के परम पराक्रम की ही अपूर्व उन्नति है, ये पराक्रम का ही प्रभाव है। राधिका के नेत्र के नाचने का यह परम प्रभाव है कि तू अपने माथे से गिरे हुए मयूर मुकुट को नहीं जानता है, गले में लगी हुई माला का भी तुझे पता नहीं है। ये राधिका के नेत्रों के भ्रमरी का, उनके नृत्य का दर्शन करने का ही यह अपूर्व प्रभाव है कि ये दशा हो रही है। फिर दुआसु ने न जानी से नहीं जानते हो, मूढ़ न च्युति, अपने माथे से गिरे हुए शिखंडम यत अखिलम, संपूर्ण मुकुट को भी, शिखंड माने मयूर मुकुट, मयूर मुकुट को नहीं जानते। न कंठे यन माल्यम, गले में जो माला धारण कर रखी है उसको भी, न कले ऐसी उसको भी तुम नहीं देख रहे हो, पुरस्तात् कृतमपि जिसको पहले से ही धारण कर रखा था, पुरस्तात् माने पहले, कृतम अपि माने धारण किया हुआ था। तद उन्नीतम, इससे उन्नीतम माने ये अनुमान होता है कि वृंदावन कुहर लीला कलह, कि अरे वृंदावन के इस कुहर माने इस घाटी में अपूर्व रूप से क्रीड़ा करने वाले, अरे मतवाले नव किशोर हाथी, नवयुग हाथी, अरे कलब, स्फुटम राधा नेत्र भ्रमरवर, श्री राधिका के नेत्रों का जो अपूर्व नर्तन, उसकी ही उसका ही वर वीर्य, यह परम पराक्रम है, उस पराक्रम की उन्नति के कारण ही तुम्हारी ये दशा हो रही है। राधिका के नेत्रों को भ्रमण करने का परम पराक्रम के कारण ये दशा हो रही है।
वो एक मानवीकरण पर्सनिफिकेशन अलंकार का बड़ा सुंदर, जो राधिका के नेत्रों का घूमना वही मानो कोई परम वीर है, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण हो गया और उसके द्वारा तेरी ये दशा हो रही है, उसे तू पराजित होकर के विराजमान है। ये मैं जान गया जान गया। एक अलंकार होता है हेतु, हेतु अलंकार का यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रयोग है। किसी हेतु को देख करके किसी लक्षण को देख करके उसके फल का अनुमान कर लेना, वो हेतु अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है कि श्री राधिका के कटाक्ष के कारण तेरी ये दशा हो रही है। श्री कृष्ण मन ही मन में कह रहे हैं कि अहो कथम निखलम एव तर्कितम धूर्तेन, इस धूर्त ने मधुमंगल ने मेरे मन की सारी बात कैसे जान ली, ये स्नेह की अतिशयता है। मन में धूर्त कहकर के जहाँ असंकोच बुद्धि है, वो असंकोच बुद्धि को यहाँ पर मित्रता के लक्षण को धूर्त इस संबोधन के द्वारा दिखाया गया कि इस धूर्त ने जरूर मेरे हृदय की सारी बात को कैसे जान लिया। तद अलम प्रतार्यो, अब इसको बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, अब बहाना बनाने से तो तद अलम प्रतार्यो माने अब बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अलम प्रतार्यो, अब और इसको बहाना नहीं बनाऊंगा, ऐसा कहकर के प्रकट रूप से कहते हैं कि सखे यथार्थम आत्थो, तूने जो कहा भैया तू पहचान ही गया, तो अब मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि तूने जो कुछ भी कहा वो बात सत्य ही है। तद आकर्ण्यता, सुन मेरी ये दशा, मैं जैसे हृदचित्त हो गया हूं, जैसे मैं शून्य चित्त दिख रहा हूं, उस शून्य चित्त होने का कारण ये है कि मम राधा निसर्ग स्थम प्रतीपम अनियन मन महाजैष्ठीव सहसा प्रवाहम सौर सैंधवम। मम राधा निसर्गस्थम मन, मेरा मन निसर्गस्थम मन, मेरा मन स्वाभाविक रूप से शांत होकर के, निसर्ग माने स्वाभाविक स्थिति में शांत होकर के मेरा मन विराजमान था, परंतु श्री राधिका ने हाय मेरे मन को प्रतिपम अनयन उल्टा उल्टा ले जा रही हैं। मेरा मन तो स्वाभाविक गति में विराजमान, स्वाभाविक स्थिति में विराजमान था, परंतु श्री राधिका ने मेरे मन को प्रतिपम अनयन प्रतीप कहते हैं उल्टा, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, तो प्रतीपम अनियन मन, मेरे मन को श्री राधिका ने उल्टा कर दिया है। कैसे, उसके लिए दृष्टांत दिया गजब। ये श्री रूप गोस्वामी जी का जो व्यावहारिक लीला में भी उनका जो ज्ञान है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो गजब है। समुद्र के पास में रहे होंगे, समुद्र कई बार दर्शन किए होंगे, सो कह रहे हैं जैसे गंगा जी जहाँ पर समुद्र से मिलती हैं, और यदि समुद्र में ज्वार भाटा आए तो गंगा की धारा उल्टी बहने लगती है, यदि ज्वार भाटा नहीं है तो गंगा की धारा बहेगी सीधी, और जब ज्वार भाटा आएगा, ज्वार आएगा तो गंगा की धारा उल्टी बहने लगती है, और धावा पानी जो है वो उल्टा आता है पूरा, और वो बाढ़ जो है वो बाढ़ उल्टी चलती है। तो यही स्थिति, गंगा सागर जाओ तो वहां पर जो बोट चलती है वो तब चलती है जबकि बाढ़ ज्यादा है, पानी है, यदि गंगा जी में तब तो चलेंगे स्टीमर, और यदि पानी नहीं है तो उतने 2-3 घंटे के लिए स्टीमर बंद रहेंगे। बोले अभी ना चलेंगे नहीं, बोट नहीं चलेंगे, स्टीमर नहीं चलेंगे, वो चलेंगे तब जब ज़्यादा पानी आता है, तब बढ़िया से जहाज चल सकते हैं, वो स्टीमर चल सकते हैं, तो क्रूज जो है वो तब चलते हैं, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो वो वही स्थिति है कि जब बाढ़ आएगी
तो जैसे समुद्र में जब उफान आएगा तो जैसे नदी का पानी उल्टा लौटता है, इसी प्रकार मेरा चित्त तो बिल्कुल शांत था, पर जब से श्री राधिका मेरे ध्यान में आई हैं तब से मेरा ये चित्त उल्टा उल्टा चल रहा है। ये उपमा जो दृष्टांत दिया वो बड़ा सुंदर। उपमा और दृष्टांत में अंतर ये है कि जहां एक वाक्य में ही समानता दिखाई जाए वहां पर होती है उपमा, जहां अलग अलग वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता दिखाई जाए उसका नाम है दृष्टांत। तो उपमा और दृष्टांत दोनों साम्य मूलक अलंकार हैं, परंतु साम्य मूलक अलंकार होते हुए भी दृष्टांत में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है और दो अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उपमा में एक ही वाक्य का प्रयोग होता है और उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं होता है, वस्तु को एक दूसरे के साथ में चमत्कारपूर्ण तुलना मात्र कर दी जाती है। तो ये दोनों का अंतर है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है कि मम राधा निसर्ग स्थम प्रतीपम अनेन मनः, राधिका ने मेरे स्वाभाविक मन को उल्टा भेज दिया है, उल्टा चला दिया है। जैसे महाज्येष्ठी, जब महाज्येष्ठी की पूर्णिमा आती है, जेठ की जेठ महीने की जब महापूर्णिमा आती है, जब उसमें सौर सैंधवम सुर सिंधु अर्थात श्री गंगा उनका प्रवाह जैसे उल्टा आने लगता है, समुद्र में बाढ़ आई, समुद्र में ज्वार आया तो गंगा का प्रवाह जैसे क्या कहते हैं हाई टाइड जैसे आने लगता है, उल्टा प्रवाह जैसे आने लगता है, ऐसे ही वो प्रवाह उल्टा आने लगता है, मेरा मन भी उल्टा चल रहा है। माँ ज्येष्ठी व सहसा प्रवाहम सौर सिंधुम, सौर सिंधु माने गंगा, सुर सिंधु माने गंगा, सौर सिंधुम माने गंगा संबंधी प्रवाह जैसे उल्टा हो जाता है। मधुमंगल कहते हैं नूनम अक्षोस्ते प्रत्यक्षी भूतैषा। मधुमंगल पूछते हैं, बोले मित्र एक बात और बता दे, श्री राधिका का कभी तूने साक्षात दर्शन किया है कि नहीं किया है? कि नूनम अक्षोस्ते प्रत्यक्ष भूता, क्या राधिका का तूने साक्षात दर्शन किया है? श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले हाँ भैया किया है, बड़े ईमानदार है, बात फिर छिपाएंगे नहीं, जब बात खुल गई तो अब बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं, बोले हाँ अतिकिम, हाँ मैंने उनका साक्षात दर्शन भी किया है। बोले कब? बोल सुवलतः सा परचिके, एक दिन सुवल ने मुझे दूर से राधिका का परिचय कराया, बोले ये जो जा रही है ना ये इनका नाम राधिका है, ऐसे सुवल ने मुझे परिचय कराया था। और ऐसा कहकर के औत्सुक्यम अवनीय, आहा उस समय मैंने दर्शन किया और जो उत्सुकता है उसका अभिनय करते हुए श्री कृष्ण श्री विश्वानंदिनी श्री स्वामिनी जो उनकी रूप माधुरी, हम लोगों की जो स्वामिनी है श्री श्याम सुंदर की परम प्यारी, उन प्यारी जो की जो रूप माधुरी उनका वर्णन करते हुए श्री श्याम सुंदर कहने लगे कि भ्रमर ध्रुव बल्ली कई प्रतिदिश मभांगस्य बल नहीं कुरंगी भ्यो भंगी भर मुकुद शंतीम इव दृशो ततस्ताम बिंबोष्ठीम कलयत मई क्रोध बिटपो विकटो मनोजन्मा पौष्पम धनो अनुपमम सज्ज मकरो भ्रमर ध्रुव भल्ली कही। मैंने प्यारी जू का दर्शन किया, प्यारी का दर्शन किया, कैसी प्यारी हैं कि भ्रमर ध्रुव भल्ली कही, जिनकी भौं रूपी लताएं नाच रही हैं, अर्थात जिनकी भौएं लता के समान थी, बल्ली माने लता, भ्रू बल्ली माने भ्रू लता, वह भ्रमर माने नाच रही थी चंचल भौएं, प्रतिदिश मपांगस्य बल नहीं, प्रतिदिश उनमें वे जो भौएं हैं वो सभी दिशाओं में, भौओं की बनावट भी कुछ ऐसी है कि सभी दिशा में नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह भ्रू के भौं जो हैं उनकी बनावट प्रतिदिश होती है, भौओं की पूरी जो बनावट, क्या ये
श्री रूप माधुरी का जैसे सामने चित्रीकरण कर रहे हैं, पेन स्केच खींच रहे हैं कि भ्रमत ध्रुव बल्ली कई, जहाँ भूमों की लताएं प्रतिदिशम प्रतिदिश प्रकट करती होती हुई विराजमान हो रही थी, दक्षिण वाम ऊर्ध अध सब दिशाओं में जहाँ भूमों की जो घूमन है वो सुशोभित हो रही थी, और अपांगस्य बल नहीं, और उन भूमों के साथ में अपांगस्य बल नहीं, कटाक्ष कोर जो हैं उनकी भी कटाक्ष भी वे भी बल नहीं, वे भी कहीं पराक्रम प्रकट कर रहे थे, बल नहीं माने टेढ़े हो रहे थे, पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वलन शब्द के दोनों अर्थ, टेढ़ा होना या बल प्रकट करना। तो जहां कटांग कटाक्ष जो हैं वे टेढ़े होकर के अपने पराक्रम को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे थे, ऐसी सुंदर घूमती हुई जिनकी भौंएं प्रति दिशा में सुशोभित हो रही थी, कुरंगी भ्यो भंगी भरम उपदिशंती इव दिशो, उन कटाक्षों के चलने से आज ऐसा लगता था मानो श्री राधिका को हैं शिक्षिका, और जितने भी मृगीगण एकत्रित हो गई हैं वे मृगीगण हैं शिष्य, जैसे एक अध्यापिका अपने शिष्यगणों को जैसे नृत्य में नर्तन की शोभा नृत्य की शोभा जैसे सिखाती है, इसी प्रकार मानो श्री राधिका अपने भूमों को नचा करके अपने कटाक्षों को भंगिमा प्रकट करके मानो जितनी भी कुरंगी जन है, कुरंगी माने हरिणी, जितनी भी हरिणी गण है उनको भंगी भी उपदिशंती एवं विभिन्न भावों की भंगिमा का उपदेश देती हुई विराजमान हो रही थी। जो नृत्य गुरु है वह पहले स्वयं नृत्य की भंगिमा और उन भावों को प्रकट करके दिखाता है, फिर उसके जो शिष्य हैं वो उसका अनुकरण करते हैं, ऐसे ही श्री राधिका अपनी भौं के द्वारा पहले स्वयं उन भंगिमाओं को उन भावों को प्रकट कर रही थी, और उनका दर्शन करके साजात्य में सहज अभिनिवेश होता है। श्री राधिका भी मृगनयनी हैं और जितने भी अन्य मृगीगण हैं वे भी श्री राधिका के साथ में सहज ही मिल करके विराजमान हुई, उन मृगनयनी गणों को नेत्रों को भी श्री राधिका जैसे नृत्य की शिक्षा प्रदान करती हुई विराजमान हो रही थी। तो कुरंगीभ्य माने मृगियों को, भंगी भरम माने नृत्य की विभिन्न भंगिमाओं को उपदिशंती एवं जैसे उपदेश करती हुई वे विराजमान हो रही थी। दृशो नेत्रों की विभिन्न भंगिमाओं को वे कुरंगी जनों को उपदेश करती हुई विराजमान हो रही थी। ततस्ताम बिंबोष्ठी कलयत मय क्रोध बिटपो, उस समय मैं तो उन बिंबाफल के समान ओष्ठ वाली श्री प्रिया का अपलक दर्शन कर रहा था। ततस्ताम बिंबोष्ठी, बिंबा एक फल है और उस बिंबाफल के समान लाल जिनके ओठ जिसमें बीच बीच में धारी है, बिंबा फल बीच बीच में धारी वाला एक बड़ा सुंदर बिल्कुल ओठ के आकार का ही एक फल है, तो उस बिंबोष्ठी उनका मैं जब दर्शन कर रहा था, बिंबा फल के समान ओठ वाली उन प्रिया का जिस समय मैं दर्शन कर रहा था, उस समय ही न जाने कहां से असूया धारण करने वाला वह कामदेव क्रोध बिकटा मेरे ऊपर क्रोध करते हुए मनोजन्मा, मनोजन्मा माने कामदेव, मन में जिसका जन्म हुआ हो, मन में जन्म होने वाला अर्थात कामदेव, मनोज इसलिए कामदेव, मनोज कहें मनोजन्मा कहें एक ही अर्थ है, तो वो मनोज वो कामदेव पौष्पम धनम अनुपमम सज्ज मकरो, उसने फूल के धनुष का मेरे ऊपर एकाएक प्रयोग किया है, उस कामदेव ने अपने पुष्प धनुष का पुष्प बाणों का मेरे ऊपर प्रयोग किया। अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमालिका,
नीलोपलम च पंचयते पंच बाणस्य सहायकः। निरूपण किया गया कि अरविंद, अशोक, आम, नवमालिका और नील उत्पल, ये कामदेव के पांच बाण हैं जो मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, इन पांच गुणों को क्रमशः प्रकट करने वाले होकर के विराजमान हैं। तो उस समय मैं क्रोध विकटः, जो कामदेव क्रोध करने में विकट है, ऐसे कामदेव ने मनोजन्मा ने पौष्पम धनुम, अपने पुष्प के धनुष को, धनुष कैसा है, अनुपम, जो अनुपम धनुष है उसको मेरे ऊपर सज्जम करो, उससे मेरे ऊपर प्रहार किया। अर्थात मैं तो श्री प्रिया को दर्शन कर रहा था और उस समय कामदेव ने मेरे ऊपर प्रहार किया, अर्थात मैं प्रिया के वशीभूत होकर के ही विराजमान। मोहन, मादन, उन्मादन, वशीकरण और मृत्यु जैसी दशा, उसका नाम मारण, साक्षात मृत्यु नहीं, मृत्यु जैसी दशा, इन पांच प्रभावों से युक्त होकर के विराजमान हो गया हूं। मधुमंगल कह रहे हैं ठीक है, बड़े भाई चिकित्सक है, माने जैसे डॉक्टर खोज खोज करके पूछे, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पल्ले पड़ जाओ तो भक्त ने जाने क्या क्या पूछे, ऐसे ऐसे प्रश्न करे, दूध अच्छा लगता है, तुम्हें हाँ लगता है, उस कितना अच्छा लगता है, आप कैसे बताएं कितना अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे प्रश्न करे, तो ये मधुमंगल भी कोई कम नहीं है, इस प्रेम चिकित्सा के पूरे चिकित्सक होकर के विराजमान और सारे डायग्नोसिस करने के लिए पूरे सिम्टम्स जो हैं उनको खोद खोद करके पूछ रहे हैं। बोले अच्छा एक बात और बताओ, अपने नाम समृतम अन्योन्य दर्शनम, कभी तुम्हारा अन्योन्य दर्शन हुआ, तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा कि नहीं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले नहीं 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 नहीं, अन्योन्य दर्शन तो नहीं हुआ है। तस्या सखे मुक्त शार मयूख बिंबे दूरांग ममाक्ष पदवीं अधरूढ़ माते मात्रे निर्बंध तपत कोटि भी अंबया हम नीत क्षणा अह सदमनि भोजनाय। तस्या सखे मुक्त शार तुषार मयूख बिंबे, एक दिन श्री राधिका कहीं जा रही होंगी, उस समय मुख तुषार मयूख बिंदे, तुषार मयूख कहते हैं चंद्रमा, तुषार माने बर्फ, बर्फ के समान जिसकी किरणें हैं, मयूख माने किरण, माने शीत कर, शीत कर, ये चंद्रमा का एक नाम है, तो तुषार मयूख कहें, शीत कर कहें, शीत किरण कहें, एक ही अर्थ है, चंद्रमा के नाम ही। तो तस्या मुकुट तुषार मयूख बिंदे, उस श्री राधिका के, प्रिया के जब मुख का मैंने दर्शन किया, जो तुषार मयूख बिंबे, जो चंद्र बिंब के समान सुंदर, तृप्ति देने वाला, सुख देने वाला जो मुख चंद्र था, चंद्र शब्द का शब्दार्थ होता है आनंद देना, जो आनंदित करे उसको चंद्रमा कहते हैं, यथा प्रह्लाद नाथ चंद्र, चंद्र शब्द का शब्दार्थ है आनंद देने वाला, कृष्ण चंद्र माने कृष्ण रूप में जो आनंद देने वाले, चंद्र शब्द आनंद का, आनंद का वाचक। तो श्री राधिका के मुख तुषार मयूख बिंदे, उनके मुख चंद्र का जब मैंने दर्शन किया, चंद्र बिंब का मैंने दर्शन किया, वो भी दूर आत, दूर से दर्शन किया, सुवन ने उस समय परिचय कराया, बोले ये श्री राधिका है, दूरान ममाक्ष पदवीम अधरूढ़ मात्रे, वह मुखचंद्र दूर से मेरे नयनों के पथ में आया था और मैं देख ही रहा था, इतने में ही सखे क्या बताऊं, जाने कहां से मैया आ गई, यशोदा मैया, और यशोदा मैया मुझे सौगंध देती हुई बोली कि बेटा तुझे आत्मानं शपे, अपनी सौगंध खा के कह रही हूं, बहुत देर हो गई, चलो चलो भोजन कर लो,
और ऐसे सौगंध दिला करके हाथ पकड़ करके मुझे उस समय श्री राधे श्री यशोदा मैया भोजन घर में ले गई। हाय श्री राधिका जाने मुझे देख पाई, प्रिया जाने वो सुंदरी श्री विश्वानंद ने मुझे देख पाई कि नहीं देख पाई मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने दूर से उनका दर्शन अवश्य किया था। तो निर्बंधता शपथ कोटि भी, निर्बंध माने अत्यंत आग्रह, दृढ़ आग्रह, बार बार जो आग्रह किया जाए उसका नाम है निर्बंध। तो निर्बंध माने बार बार आग्रह करके शपथ कोटि भी सैकड़ों सैकड़ों सौगंध को दिलवा करके शपथ दिला करके अम्बया हम मान मैया ने अहम नीत क्षण उसी क्षण मुझे श्री यशोदा पकड़ करके ले गई, सब मने भोजन आयो भोजन करने के लिए ले गई। इसलिए मैं उनने मेरा दर्शन नहीं किया है नहीं किया है, इसलिए अन्योन्य संदर्शन अभी नहीं हुआ है। ये इसी का नाम पूर्व राग है, जहां मिलन के पूर्व की जो प्रीति उसका नाम पूर्व राग। पूर्वा के बाद में फिर मान, मान उसका नाम जहां मिलन की सारी अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हो और फिर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मान। जहां परिस्थिति के कारण प्यारा दूर चला जाए, नैनों के परे चला जाए उसका नाम है प्रवास, और जब बहुत दूर चला जाए उसका नाम है दूर प्रवास। तो ये विरह की चार स्थिति, पूर्व राग मान, प्रवास और दूर प्रवास। पूर्व राग के पश्चात जो मिलन होगा वो है संक्षिप्त, मान के पश्चात जो मिलन होगा वो है संकीर्ण, प्रवास के पश्चात जो मिलन प्राप्त होगा वो है संपन्न, और दूर प्रवास के पश्चात जो मिलन प्राप्त होगा उसका नाम है समृद्धिमान। ये चार विरह और चार मिलन क्रम क्रम करके एक दूसरे के योग आयोग की स्थिति में साधक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि माँ मुझे पकड़ करके ले गई। दोबारा सुनने, तस्या सखे हे सखे हे मधुमंगल तस्या मुहूर्तशार मयूख बिंबे, तस्या माने उन श्री विश्वानंद ने के मुख, उनका मुख कैसा था, तुषार मयूख बिंबे चंद्र बिंब के समान था, ऐसे मुख में मुख के ऊपर दूरात मम अक्ष पद्मीम अधूर मात्रे, दूर से ही वह मुखचंद्र मेरे नयन पथ पर चढ़ा, मेरे नयन पथ में आया था। अक्ष पद्मी माने नेत्र पथ, उनमें अधूर मात्रे माने वो चढ़ा। उसी समय निर्बंधता आग्रह करते हुए शपथ कोटि भी करोड़ों सौगंध दिला करके अम्बा के द्वारा मैं सदमनी माने भोजन में भोज घर में